जय सियाराम सभी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान यूसीसी बिल को विरोध करने वाले और उसके ऊपर भड़कने वाले लोगों को अच्छे से लताड़ा है। और जो इस बिल के बारे में नहीं जानता है और पूरे देशवासियों को इस बिल के बारे में बताया, इस बिल को क्यों जरूरत है देश को और इस बिल को आने के बाद हमारे देश में क्या क्या परिवर्तन होगा, क्या क्या फायदे हैं, इस कार्यक्रम के दौरान सभी कुछ बताया श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो फिर देखिए इस वीडियो को। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमंदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में, मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं, मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमंदा भाई बहन है, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं,